एवरीवन, मैं हूं ज्योति जसनदर गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। तो आज के वीडियो में आप सबके साथ एक बहुत ही कॉमन चीज के बारे में बात करने जा रही हूं और वो है स्ट्रेच मार्क्स। यस, स्ट्रेच मार्क्स आर वेरी 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 कॉमन। और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स है तो नो नीड टू बी अशेम, नो नीड टू फील अनकंफर्टेबल कि ओ नो मुझे स्ट्रेच मार्क्स है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, ये वो है तो है, दैट्स इट। ये कोई स्किन डिजीज नहीं है, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों को होता है और मेन एंड वुमेन दोनों में होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि स्ट्रेच मार्क्स है तो है, दैट्स इट। कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नो नीड टू फील अनकंफर्टेबल। तो और स्ट्रेच मार्क्स जो है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से होते हैं। वुमेन में प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाते हैं, या फिर जब सडन वेट, अचानक से आपका वेट गेन होता है, अचानक से आप ढेर सारे वेट लॉस कर लेते हैं, उन इसलिए भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं बॉडी के कई पार्ट्स पे। और जो जिम जाते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उनको भी कभी कभी उनके थाइज वगैरह पे, बैक पे, शोल्डर पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कैसे आप स्ट्रेच मार्क्स को कम कर सकते हैं, उनको फेड कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपसे कोई भी झूठा क्लेम, कोई वादा नहीं करूंगी। मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेच मार्क्स अगर हो गए हैं तो बहुत 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 ही मुश्किल है कि वो 100% खत्म हो जाएंगे। देर आर अ लॉट ऑफ होम रेमेडीज, अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि आपको उनको कम करने में, लाइक 70-80% कम करने में हेल्प करेंगे, उनको फेड करने में, रिड्यूस करने में, बट कंप्लीटली रिमूव होना बहुत 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 ही मुश्किल है। और अगर आप मुझे कुछ टाइम से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं भी वर्कआउट करती हूँ और मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, और उसकी वजह से मुझे मेरे शोल्डर में, बैक पे थोड़े बहुत से स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं। और कुछ टाइम से मैं होम रेमेडी और कुछ एक दो प्रोडक्ट्स इनको कंबाइन करके यूज़ कर रही हूँ अपने स्ट्रेच मार्क्स को थोड़ा बहुत कम करने के लिए, और मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। बट फिर से मैं बताऊंगी कि जो भी होम रेमेडीज़ और प्रोडक्ट्स होते हैं स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए, उनको आपको रेगुलरली थोड़ा लंबे टाइम तक यूज़ करना पड़ता है, लाइक 3-4-6 महीने तक यूज़ करना पड़ता है डिफरेंस देखने के लिए। और मैं अगेन आपसे कहूंगी कि स्ट्रेच मार्क्स को 100% रिमूव कर देना, गायब करना इज ऑलमोस्ट लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। तो यार चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर करेगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा इसी तरीके के ऑनेस्ट वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही असरदार होम रेमेडी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम हाईली इम्प्रेस विद दिस। और वो है कैस्टर ऑयल, यानी अरंडी का तेल। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये हिल ड्यूज़ का प्रीमियम कैस्टर ऑयल। आप कोई सा भी, जो भी आपको सूट करता हो, वो कैस्टर ऑयल यूज़ करिए, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि वो प्योर कैस्टर ऑयल होना चाहिए, साथ ही साथ में वो कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। तो एक दो जो कैस्टर ऑयल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो कैस्टर ऑयल एक मल्टीपर्पज़ ऑयल है, बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपको कुछ स्कार्स है, स्ट्रेच मार्क्स है, ये सबको फेड करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपको क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, मैं आपके आपको वो बताती हूँ। आपको ये करना है कि रात को सोने के पहले जहाँ पे भी आपको स्ट्रेच मार्क्स है, आपको थोड़ा सा ये कैस्टर ऑयल लेना है और वहाँ पे लगभग 5-10 मिनट तक मसाज करना हल्के हल्के हाथों से, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप सो जाइए, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 5-10 मिनट तक उस कैस्टर ऑयल को अच्छे से मसाज करना है, क्योंकि कैस्टर ऑयल थोड़ा सा थिक होता है तो उसको स्किन में अब्सॉर्ब होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मसाज करिए 5-10 मिनट तक और उसके बाद आप सो जाइए, दैट्स इट। सुबह आप उठेंगे, नहाएंगे तो तेल अपने आप जो है बॉडी से निकल जाएगा। ऑयल मसाज करने से स्ट्रेच मार्क्स में बहुत 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 ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये तो एक हो गई होम रेमेडी। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक बहुत ही ऑसम सा प्रोडक्ट जो कि मैं अपनी होम रेमेडी के साथ कंबाइन करके यूज़ कर रही हूँ, और वो है ये मॉम एंड वर्ल्ड का स्ट्रेच मार्क्स मसाज लोशन। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ, फिर बताऊँगी कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये जो लोशन है, इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें पैराबेंस नहीं है, पैथलेट्स नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है और SLS नहीं है। सो ये बहुत 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 ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ में इसमें जितने भी प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है। मैं यहाँ पे कहीं पिक्चर दे दूंगी जहाँ पे इनकी फुल इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस जो है वो है ₹449, जिसमें आपको मिल जाते हैं 120 ml ऑफ प्रोडक्ट। और इसकी अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको एज अ बॉडी लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ अप टू यू कि आप इसको सिर्फ अपने स्ट्रेच मार्क्स पर अप्लाई करना चाहते हैं या एज अ बॉडी लोशन अप्लाई करना चाहते हैं। और मैं इसके कुछ अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने पहले कहा
कि ऑयल जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे स्ट्रेच मार्क्स पे, तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑयल है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। इसमें स्वीट आमंड ऑयल है जो कि कोल्ड प्रेस है, ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, कोकम बटर है, कोको बटर है, ऑर्गेनिक मोरक्कन आर्गन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, हेजल सीड ऑयल है, गोटू कोला एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, एलोवेरा, लेमन एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, कैरेट सीड ऑयल, इतने सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सही प्राइस एंड क्वांटिटी मुझे इसकी सही लगती है, और मैं इसका परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा, अमेजोन पे बहुत ही ईजिली मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि हेल्प्स रिड्यूस अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेच मार्क्स एंड स्कार्स, और जैसे कि मैंने बताया कि आपको कोई भी प्रोडक्ट 1-1.5-2 महीने यूज़ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत सा उसका फ़र्क देखने के लिए, तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी कंसिस्टेंसी वगैरह दिखा देती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, वाइट कलर का है ये, और आपको इसको अब अप्लाई करने कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अप्लाई करने के लिए जब आप नहा लें उसके बाद जहाँ पे भी आपको स्ट्रेच मार्क्स है वहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए और अच्छे तरीके से मसाज कर लीजिए। आप चाहें तो आप इसे पूरे बॉडी में एज अ बॉडी लोशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आपने इसको सुबह लगा लिया और एक बार आपको इसको शाम को यानी कि लाइक एक 5-6 PM के आसपास इस तरीके से आपको लगा लेना, क्योंकि रात में तो आपको कैस्टर ऑयल लगाना है, तो सुबह और शाम आपको ये मसाज लोशन लगाना है और रात को आपको कैस्टर ऑयल लगाना है, और ट्रस्ट मी 3-4 महीने में आपको डिफरेंस नज़र आने लगेगा। तो मुझे ये लोशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, और इन्होंने यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि ये स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करता है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये स्ट्रेच मार्क्स की अपीयरेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके लिए ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये अपने क्लेम्स में काफ़ी ऑनेस्ट हैं। सो या ये था आज का वीडियो, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगेन सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो कोई भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो या अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर्स।